आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पानीपत गोहाना रोड फ्लाईओवर के नजदीक स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को गत रात बदमाश उखाड़ कर ले गए। घटना एटीएम के नजदीक स्थित शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मात्र 5 से 7 मिनट में ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हिताची कंपनी के एटीएम में पैसे डालने वाली टीम जब सुबह एटीएम में पैसे डालने पहुंची तो शटर खुला हुआ था और एटीएम ही गायब मिला, जिसके बाद सुबह करीब 11:15 पर पुलिस कंट्रोल रूम में मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने हिताची कंपनी के लीगल एडवाइजर की शिकायत पर मामला दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एटीएम में करीब 17 लाख रुपए कैश मौजूद थे। एटीएम मशीन के साथ साथ बदमाश एटीएम में लगे सीसीटीवी रिकॉर्ड को भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पानीपत पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार 8 टीमें इस मामले की जांच में जुट गई हैं। उनका कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। चोरी का जो मामला है, एटीएम चोरी का, ये पूरा मामला क्या है, कब संज्ञान में क्या? हमारे संज्ञान में तो दिन में 11:15 आया है, जब कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि भाई गोहाना रोड पर पेट्रोल पंप के साथ लगती दीवार के साथ आईसीआईसीआई बैंक एटीएम से को पाड़ लिया है। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर पहुँचा तो वहाँ देखा कि शटर जो था एटीएम का वो खुला हुआ था और बैंक का कोई कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। तो कुछ देर बाद एक बंदा आया, भाई मैं हिताची कंपनी का जो एटीएम पैसे डालते हैं उस कंपनी से हूँ। उनके सुपरवाइज़र ने जब सुबह आया, शाम को ये लॉक कर देते हैं, सुबह जब आया तो उसने उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फिर कंट्रोल में सूचना दी। सूचना पर हम पहुंचे, वहां पर देखा कि एटीएम को पाट लिया गया है जिसमें करीब 17 लाख रुपए बताए गए हैं। और फुटेज देखने के बाद पता लगता है फॉर्चुनर गाड़ी है ब्लैक रंग की और उसमें 3 आदमी मास्क मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं। सामने ठेके की साइड से गाड़ी आई है बैक होते हुए, उन गाड़ी को बैक करके और एटीएम को 5-7 मिनट में पाट कर वो लोग जीटी रोड की तरफ लेके चले गए। हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, कोशिश होगी जल्दी आरोपियों को पकड़कर बरामदी की जाएगी। हमारी मौके पर एसपी भी पहुंचे, मौके पर डीएसपी साहब श्री प्रदीप कुमार नैन, एसएचओ 29 इंस्पेक्टर मंजीत सिंह और सीआईए की तीनों टीमें और हमारी टीम है, 8 टीमें इस पर काम कर रही हैं। हम जल्दी इस वारदात सुलझाएंगे। तो इशपाल जी, क्या लगता है बैंक कर्मचारियों से भी बात नहीं हो पाएगी छुट्टी की? नहीं, बैंक की तरफ से जो हिताची कंपनी के हैं जो एटीएम में पैसे डालते हैं उनके लीगल एडवाइज़र की तरफ से कंप्लेंट फाइल हुई है, उस पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, इंचार्ज चौकी किशनपुरा पानीपत। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।